स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ODI मैच रिव्यू, जो खेला जाएगा VRA क्रिकेट ग्राउंड एम्स्टलविन पे। मैच टाइमिंग दोपहर के 2 बजे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन नीचे सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पे 4 जून को नेदरलैंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच यहाँ पे ODI की सीरीज खेली गई थी 2 हफ्ते पहले। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी दोस्तों न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, तो यहाँ पे बैटर्स को और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। आप देखो इस वेन्यू के ऊपर, जो वेन्यू है VRA क्रिकेट ग्राउंड एम्स्टलविन, इस वेन्यू के ऊपर नेदरलैंड्स ने 5 मैच खेले हैं, ODI के अंदर 1 मैच जीता और दोस्तों 4 मैच यहाँ पे हारे हैं। अब देखो इंग्लैंड यहाँ पे एक भी मैच नहीं खेली है, ये दोस्तों ऐतिहासिक सीरीज है। 2011 के बाद पहली बार नेदरलैंड और इंग्लैंड का दोस्तों ODI की यहाँ पे कोई मैच हो रहा है, श्रृंखला हो रही है आप समझ सकते हो। तो बहुत ही दोस्तों एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इंग्लैंड यहाँ पे आई है। दोस्तों नेदरलैंड के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लियम लिंगस्टन, जॉस बटलर है, यहाँ पे जेसन रॉय हैं, डेविड विली, सैम करन, इयन मॉर्गन जैसे बड़े खिलाड़ी इस मैच के अंदर खेलेंगे। तो एक एसोसिएट कंट्री नेदरलैंड एक तरीके से, इसको भी दोस्तों एडवांटेज मिलेगा। रेगुलर तो दोस्तों खेलते नहीं है, तो आप खुद जानते हो कम मैचेस होते हैं इनके। अब देखो जो टीम इस वेन्यू के ऊपर बैट फर्स्ट करिए 3 मैच जीती है, जो टीम चेस करिए 2 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 5 ODI गेम्स। औसतन स्कोर 220 से 280 बनता है, बढ़िया पिच होती है। दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर आपने देखा रहेगा कि विक्रमजीत सिंह को देख लो, आप शाही उप को देख लो, यहाँ पे क्या होता है स्टार्टिंग ओवर में गेंद अच्छे से आती है बैट के ऊपर, फिर बाद में दोस्तों दिक्कत होती है। लास्ट 5 मैच में क्या हुआ है, पेसर्स ने 42 विकेट्स निकाला है यहाँ पे, पहली बारी में 24 है, दूसरी बारी के अंदर 18 है। थोड़ा साइज पहली बारी में पेसर्स को है, राइट आर्म पेसर 34, लेफ्ट आर्म पेसर 8 विकेट है। बात करते हैं स्पिनर्स की, तो लास्ट 5 मैच के अंदर स्पिनर्स के 34 विकेट है, पहली बारी में 16, दूसरी बारी के अंदर 18, ऑफ स्पिनर्स के 4, लेग स्पिनर्स के 10, लेफ्ट आर्म चेनवन का 5, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के 13 विकेट है, 15 विकेट है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के। रिपीट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स आर हैविंग 15 विकेट्स। अब आप देखो पहली बारी के अंदर पेसर और स्पिनर को कंपेयर करते हैं, पहली बारी में पेसर के 24 है तो स्पिनर के 16 है, लेकिन दूसरी बारी में पेसर के 18 है तो भाई साहब स्पिनर्स के भी 18 है, तो दूसरी बारी में स्पिनर्स थोड़ा सा अहमियत ज़्यादा रहेगी। जो लास्ट मैच वहाँ पे हुआ था 4 जून को, मैच था नेदरलैंड बनाम वेस्ट इंडीज, ODI का 3रा मैच था, उस मैच के अंदर 9 विकेट पेसर के थे, 5 विकेट वहाँ पे स्पिनर के थे। सन्नी वेदर फोकास्ट है, आपको दोस्तों विश्वास दिलाना जरूरी है कि बढ़िया वेदर फोकास्ट रहेगा। आप देखो यहाँ पे 10-11 बजे मैच स्टार्ट होगा वहाँ पे, और हल्का सा क्लाउडी लेकिन बारिश नहीं होगी, बहुत कम चांसेस है। वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना है। न्यूज़ की बात करते हैं, नेदरलैंड्स के अंदर टॉम कॉपर वापसी कर रहे हैं, वेतरन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, टिम प्रिंगल न्यूजीलैंड के अंडर-19 प्लेयर वापसी कर रहे हैं। बात करेंगे किसकी, इंग्लैंड के टिमान मिल्स, क्रिस जॉर्डन को जगह नहीं मिली है, ल्यूक वुड और डेविड पेन को उनके बदले पिक करा गया है। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर 3 मैच खेले हैं, 2011 में, 2003 में, 1996 के अंदर तीनों मैच इंग्लैंड जीती थी। लाइनअप्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो मैक्स ऑडवुड ओपन करेंगे नेदरलैंड्स के लिए, विक्रमजीत सिंह के साथ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। टॉम कॉपर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए आपने इन्हें देखा रहेगा, आपने इनको ब्रिस्बेन हीट के अंदर देखा रहेगा इस साल हाल ही में, तो अच्छे खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छा टाइम किया था बॉल को बिग बैश लीग के अंदर, चाहे 5 बॉल ही खेली हो लेकिन जब खेल रहे थे ना वो फिर गलत शॉट खेल के आउट हो रहे थे जहाँ पे फिल्टर थे वहाँ पे, लेकिन अच्छे टाइमर थे बॉल के। बेस्ट डिलेडिया राइट ही बैटर, स्कॉट एडवर्ड्स आएंगे, पीटर सिलार आएंगे, लॉगबन बिग, फ्रेड क्लासन, टिम प्रिंगल को मैं खिलाना चाहूंगा, आई विल बी एक्साइटेड फॉर दिस गाय। विवियन किंगमा सेंसनेटर, विवियन किंगमा के बदले आप किसी प्लेयर को भी खिला सकते हो। इंग्लैंड वैसे अब लेफ्ट आर्म पेसर अकेडमी लग रही है, क्यों अभी आपको बताऊंगा। जसन रॉय ओपन करेंगे फिलिप शॉर्ट के साथ, डेविड मलान 1 डाउन, यन मॉर्गन 2 डाउन, मोइन अली, लियम लिंगस्टन, जॉस बटलर, सैम करन लेफ्ट आर्म पेसर, डेविड विली लेफ्ट आर्म पेसर, आदिल राशिद लेग स्पिनर, डेविड पेन लेफ्ट आर्म पेसर, ईस्टोपली लेफ्ट आर्म पेसर, लिक्विड लेफ्ट आर्म पेसर, बस एकमात्र राइट आर्म पेसर है ब्राइडन कर्ट्स। तो भाई साहब लेफ्ट आर्म पेसर अकेडमी बन गई पूरी, ये तो आप देखो कितने लेफ्ट आर्म है, 1 2 3 4 5 लेफ्ट आर्म है, एक भाई साहब सिर्फ राइट आर्म मीडियम है ब्राइडन कर्ट्स। कोई चिंता की बात वैसे भी नहीं, कोई एकदम सीरियस सीरीज तो है नहीं, ये कोई नॉर्मल एकदम सीरीज है। नेदरलैंड्स की बात करते हैं, तो मैक्स ऑडवर्ड ने यहाँ पे 28 मैच खेले आज तक ODI के अंदर और 34 ODI मतलब होता है
वन डे डोमेस्टिक एक दिवसीय घरेलू मैच जिसके अंदर ओडीआई भी काउंट हो जाता है 778 रन है। खास बात क्या है, मैक्स रॉडवर सबसे अच्छे दिखे थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ, सबसे स्टार प्लेयर मैक्स रॉडवर, विक्रमजीत सिंह है दो प्लेयर्स। फिर जो यहाँ पे विक्रमजीत सिंह का 8 मैच में 28 के औसत है 223 रन अगेंस्ट ओडीडी के अंदर, और अगेंस्ट उन्होंने वेस्ट इंडीज बहुत रन बनाए, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, टेम्परामेंट बहुत भारी लगा देख के। इसी वैन के ऊपर दोस्तों पले बड़े हैं, यहीं पे दोस्तों प्रैक्टिस करते थे, आके थ्रो डाउन करते थे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, उन्होंने कहा था। टॉम कॉपर 160 मैच खेला है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है साउथ ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए, 41 की औसत है 5,500 रन है। बेस्ट लडे 25 मैच में 16 की औसत 367 रन 7 विकेट है। स्कॉट एडवर्ड्स का 29 मैच में 642 रन 27 की औसत है। पीटर सिलार 139 मैच 124 विकेट्स 928 रन है। लॉगन बिक का 93 मैच में 116 विकेट है 862 रन है। ट्रिम प्रिंगल न्यूजीलैंड के अंडर 19 प्लेयर है। फ्रेड क्लासन 30 मैच में 46 विकेट्स है। शेन स्नेटर का 22 में 27, विवियन किंगमा का 38 मैच में 45 विकेट है। आर्यन दत्त के स्टैट्स मैंने दे दिए यहाँ पे, रियान क्लेन के दिए हैं, इवन क्लैटन फ्लोड के स्टैट्स हैं, फिलिपिन बॉसन के स्टैट्स हैं। स्टार्टिंग और फ्रेंड क्लासन, लॉगन बिक, विवियन किंगमा, शेन स्नेटर। टेथर के अंदर रहेंगे क्लासन, लॉगन बिक, शेन स्नेटर। बात करेंगे दोस्तों इंग्लैंड की, इंग्लैंड की तरफ से आप सब जानते हैं कौन कैसा प्लेयर है, जेसन रॉय इन फॉर्म, हाल ही के अंदर सरी के लिए बहुत रन बना कर रहे हैं टी ट्वेंटी ब्लास्ट में, 194 मैच खेले हैं ओडीडी के अंदर, 38 के औसत है 7,000 रन है। फिलिप सॉल्ट का 19 मैच में 33 के औसत 600 रन है, जिन्होंने थोड़ा ओडीडी कम खेला है फिलिप सॉल्ट ने। डेविड मलान 154 मैच 5,000 के ऊपर रन और 41 की औसत है यहाँ पे। और रियन मॉर्गन कप्तान साहब 377 मैच है, रन कहाँ बोल रहा हूँ यार मैं, 377 मैच 12,000 रन 39 की औसत है। मोइन अली 229 मैच 5,100 रन से 5,200 बोल लो और 162 विकेट है। लियम लिंगसन 58 मैच में 1,600 रन 24 विकेट 36 की औसत है। वाइट बॉल स्पेशलिस्ट बोलते हैं इनको, जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतना बड़ा प्लेयर बनता है ये लियम लिंगसन। T10 के अंदर भी बहुत तगड़ा दो है इस बंदे ने, ये ODI। जॉस बटलर 219 मैच 43 की औसत 6,000 रन से नीचे खेलेंगे, ODI के अंदर ओपनिंग नहीं करते, ODI के अंदर जॉनी बैरिस्टो और जेसन रॉय ओपन करते हैं आमतौर पर, फिर जो रूट आते हैं, पर यहाँ पे ना जो रूट है ना दोस्तों जॉनी बैरिस्टो है, दोनों नेशनल ड्यूटी के ऊपर है, ODI सीरीज के लिए अनअवेलेबल है, और टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था जॉनी बैरिस्टो का, वो कि T20 से कम नहीं था, 16 ओवर के अंदर 150 जैसा विशाल स्कोर चेस किया था। सैम करन 60 मैच 78 विकेट 721 रन। डेविड विल्ली का 135 मैच में 157 विकेट 19 रन है, अच्छे फॉर्म में, यॉर्कशायर के लिए बहुत तगड़े रन बनाए 70-80 ऐसे रन बना के आ रहे हैं। आदिल राशिद 230 में 305 विकेट, फॉर्म कंसर्न है लेकिन टीम दोस्त ऐसी है सामने की उसके सामने फॉर्म ला सकते हैं। डेविड पेन 67 मैच 110 विकेट, डेवी हाई क्लास गेंदबाज इन फॉर्म डेविड पेन, T20 ब्लास्ट में हर मैच में दो तीन विकेट्स निकाल रहे थे। क्रिस टोपले 58 मैच 91 विकेट से शायद खेलेंगे। लिक्विड का 4 में 5 विकेट है, ब्राइडन कट्स का 10 मैच में 16 विकेट है, खेल सकते हैं, डायतोर में भी आ सकते हैं। स्टार्टिंग और डेविड विल्ली, सैम करन, डेविड पेन, सेम फॉर द डेथवर्ड्स, अगर यहाँ पे ब्राइडन कट्स खेलते हैं तो वो डायतोर में आएंगे। वैन स्टैट्स की बात करते हैं तो नेदरलैंड्स से यहाँ पे एकमात्र टीम खेली है, मैक्स डोव ने 39 करा, 89 करा चेस पे, 51 करा बैट फर्स्ट, तो इनका हाल है ये रिसेंट फॉर्म है नेदरलैंड्स के प्लेयर का, इस वेन्यू का स्टैट्स भी हो जाएगा। ये दो चीज़ें कवर कर रहा है, ये एक तो वेन्यू स्टैट्स आपको बता ही रहा है, हाल ही के अंदर यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज हुई थी अगेंस्ट नेदरलैंड्स जैसी महीने के अंदर, और लास्ट 30-31 तारीख को पहला ODI था उनका, ठीक है, और आखिरी ODI था यहाँ पे 4 तारीख को। तो देखो मैक्स डोव ने 39 बैट फर्स्ट 89 चेस को 51 अच्छा फॉर्म था, विक्रमजीत सिंह 47 54 46 है, और टॉम कॉपर इस वेन्यू पर नहीं खेले हैं। बेस्ट लडे 0 रन चेस के ऊपर 30 रन बैट फर्स्ट 1 विकेट है, 17 रन बैट फर्स्ट 0 विकेट है, और यहाँ पे 25 रन चेस पे 1 विकेट है, और यहाँ पे 2 विकेट बॉल फर्स्ट प्लस 0 रन है। स्कॉट एडवर्ड्स 9 चेस के ऊपर 18 बैट फर्स्ट 13 बैट फर्स्ट 18 चेस पे 68 बैट फर्स्ट। पीटर सिलार 2 विकेट 3 विकेट है, 14 रन 16 रन 5 रन, तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तो एक भी विकेट नहीं निकाला 3 मैचों में। रन भी बताऊँ कितने बनाए, 35 रन बनाए थे 3 मैचों में। लॉगन बिक अच्छे गेंदबाज हैं ना, ये आते हैं न्यूजीलैंड से, 11 रन 2 विकेट 15 रन 1 विकेट 9 रन 1 विकेट। आर्यन दत्त 3 मैच खेले, तीनों में एक एक विकेट निकाला, पूरन को बहुत परेशान करा उन्होंने,
फ्रेड क्लासेन 3 विकेट बॉल फर्स्ट, 3 विकेट बॉल सेकंड, चांस नेटर यहाँ पे नहीं खेले। विवियन किंग में 0 विकेट बॉल सेकंड, 1 विकेट बॉल फर्स्ट। टिम प्रिंगल यहाँ पे नहीं खेले। इंग्लैंड येट टू फेस है। कॉमन कैप्टन जस्टिन रॉय, लियम लिंगस्टन बड़ लीग्स में बनाओ यहाँ पे कैप्टन किसको, आदिल राशिद, जस्टिन रॉय, लियम लिंगस्टन, डेविड विल्ली को अलग जाना, मोइन अली, डेविड मलान, लॉगन पिक, सैम करन के भी डिफरेंशियल पिक्स फॉर द ग्रैंड लीग। बात करेंगे ड्रीम इलेवन टीम की क्या रहने वाली यहाँ पे टीम। कैप्टन है जस्टिन रॉय, वाइस कैप्टन लियम लिंगस्टन है। लियम लिंगस्टन को दोस्तों वाइस कैप्टन करने का रीजन क्या था, तो नीचे खेलेंगे ये बॉलिंग भी कर लेते हैं और अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं और 5-6 ओवर तो मुझे लग रहा है दोस्तों कराई लेंगे इनसे। डेविड विल्ली, आदिल राशिद आपको देखेंगे यहाँ पर, सैम करन भी देखेंगे, लॉग ऑन पिक फ्रेड क्लासेन है। फ्रेड क्लासेन इज अ गुड प्लेयर, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। आप इनके बदले किसी और को भी पिक कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो बड़ी लीग्स में अगर आप जानते हो दोस्तों एक तरफा मैच हो, इंग्लैंड यहाँ पे दोस्तों विजेता बनेगी मोस्टली, अब वो बात अलग है दोस्तों, कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ अलग हटके हो जाए। अब देखो अगर इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करती है तो याद रखना आपको इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर प्लेयर्स लेना है, जो टॉप ऑर्डर में टॉप 3 बल्लेबाज हो गए उनको ले लेना, और जो मोस्टली सारे गेंदबाज है ना कहाँ के इंग्लैंड के, आपको उनको पिक कर लेना है। इससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर किसी बॉलर का दिन अच्छा रहा ना और वो सिलेक्शन परसेंटेज उसका कम हुआ और वो 3-4 विकेट निकाल जाता था, तो दोस्तों आप सेफ जोन में रह जाओगे। तो इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करे, बॉल कंडीशन की पहली बता रहा हूँ, इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करे, इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर ले लो और इंग्लैंड के सारे बॉलर्स ले लो, ऑल बॉलर। अब दूसरी कंडीशन आती है, इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करती है, इफ़ इंग्लैंड बैट फर्स्ट, तो देखो क्या करना है आपने, क्या करना है कि जो डेथ ओवर रहेंगे नेदरलैंड्स की तरफ से, नाम है डेथ ओवर डालने वाले का फ्रेड क्लासेन एफ के, और दूसरा नाम है लॉगमन बिक, ठीक है। दो गेंदबाज डेथ ओवर में आपको दिखेंगे फ्रॉम नेदरलैंड्स, ये दो प्लेयर्स को तो आपको पिक करना ही करना है, ठीक है। और फिर बात बनती है कि अपन और किसको लें, दो प्लेयर्स को या 3 प्लेयर्स को नेदरलैंड्स की तरफ से, तो आप लेना वहाँ पे जो टॉप ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं, जैसे कि एक तो विक्रमजीत सिंह हो गए, फिर अपने टॉम कॉपर हो गए, बहुत ही क्लासिकल प्लेयर है, आप इनको ले सकते हो। और टॉप 4 या 5 आप ले सकते हो इंग्लैंड की तरफ से, एक दो हिटर को ले सकते हो, लियम लिंगस्टन को जो आके हिटिंग कर सकते हैं, ओवर डाल सकते हैं। देखो बड़ी लीग्स में अगर हमें बिल्कुल घबराने नहीं है, जोस बटलर T20 तो ये मैच है नहीं, ओडीआई का मैच है, नीचे खेलते हैं ओडीआई के अंदर, स्कॉट एडवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इवन फिलिप सॉल्ट कैन बी द मैन, जैसे अपन ने पिक करने की कोशिश करी है, पर अपन ने स्कॉट एडवर्ड्स को लिया, मैंने डेविड मलान को प्रीफर कर लिया ओवर स्कॉट एडवर्ड्स, थोड़ा सा रिस्की है लेकिन देखते हैं क्या होता है। वरना क्या कर सकते हो पता आपको, आप ये कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट मिनट, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आप यहाँ पे स्कॉट एडवर्ड्स के बदले डेविड मलान को हटा दो यहाँ से, अगर आपको लगता है नहीं चलेंगे, फिलिप सॉल्ट को ले लो, आप आप यहाँ पे मैक्स रोल को ले सकते हो, विक्रमजीत सिंह को ले सकते हो, डैश लेडी को ले सकते हो, जो आपका दिल हो ना दोस्तों, विक्रमजीत सिंह अच्छे दिखे थे, इवन मैक्स रोल बहुत क्लासिकल प्लेयर है, ये भी दोस्तों बहुत बेहतर कॉम्बो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, बैटर सेक्शन के अंदर लियम लिंगस्टन अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो टोटली वेस्ट जा सकते हैं, क्योंकि नीचे खेलते हैं, जस्टिन रॉय इंपॉर्टेंट, मैक्स रोड कैन बी द मैन, टॉम कॉपर एक क्लासिकल प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट बैटर्स यही लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। डेविड मलान थोड़ा सा फॉर्म जूझ रहे हैं लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, मॉगन भी फॉर्म में नहीं है, इंजरी से वापसी कर रहे हैं, विक्रमजीत सिंह के अंदर मैन टू वॉच आउट, मोइन अली अच्छे खिलाड़ी हैं बॉलिंग करेंगे, लॉग ऑन बिग दोस्तों एक क्वालिटी पेसर बैटर हैं, सैम करन इंपॉर्टेंट है और बेस्ट लेडे थोड़े रिस्की हैं, पीटर सिलार भी रिस्की रहेंगे, फ्रेड क्लासन इंपॉर्टेंट, आदिल इंपॉर्टेंट, विल्ली इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दोस्तों मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेविड पेन अगर खेलते तो इनको पिक करूंगा मैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे हो सकते हैं इंपॉर्टेंट कौन, ब्राइडन कर्ट्स अगर ये खेलते हैं तो डेथ ओवर में आ सकते हैं। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन नीचे सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, देखते रहे, स्टार्ट शुरू, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।